कनाडा चाइल्ड बेनिफिट क्या है, ये कैसे वर्क करता है और इससे कौन कौन जो फायदा उठा सकते हैं और कौन कौन इसके एलिजिबल हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में जो है कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स रिलेटेड आपको जो है सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि वीडियो की भावना में आप इतना खो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैं लिख करके आपको थोड़ा डिटेल में उसका जो है बता देता हूँ। अगर देखिएगा कनाडा चाइल्ड बेनिफिट, जिसको जो है CCBB बोलते हैं, देखिएगा एक तरीके का प्लान है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के द्वारा जो है, अकॉर्डिंग टू द मनी फ्लो गवर्नमेंट कनाडा टू एलिजिबल फैमिली टू चाइल्ड प्रोग्रेस। यानी ये जो है पैसा जो है कनाडा की गवर्नमेंट से जो है दिया जाता है चाइल्ड जो इलिजिबल फैमिलीज होती हैं उनके बच्चों को प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, यू हैव टू गिव योर इनकम। इसके लिए देखिएगा आपको जो अपनी इनकम टैक्स जो है रिकॉर्ड जो है देना पड़ेगा, यानी अपनी जो है इनकम बतानी पड़ेगी। ठीक है, इट्स अ टैक्स फ्री ऑन एवरी मंथ यू कैन गेट, यानी ये जो एवरी मंथ जो है आपको मिलेगा। लो एंड मिडिल फैमिली गेट हायर पेमेंट व्हाइल फैमिली हु हैव इनकम 1.5 लाख कैनेडियन डॉलर पर ईयर लेसर पेमेंट। यानी अगर जिनकी लोअर मिडिल फैमिली है यानी जिनकी इनकम जो है कम है तो उनको जो हायर पेमेंट मिलता है एवरी मंथ, और जो जिनकी जो है 1.5 लाख से ज्यादा है कैनेडियन डॉलर जो है उनको जो है लेसर पेमेंट मिलता है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एलिजिबिलिटीज के लिए देखिए, यू शुड बी लाइव विद चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर ओल्ड, यानी अपने जो है 18 साल के बच्चे के साथ आप जो है रहना चाहिए। यू मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर चाइल्ड। ठीक है, यू मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ कनाडा, टैक्स पेयर, यानी टैक्स पे करना चाहिए या वहाँ के आप जो है PR होने चाहिए। ठीक है, यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर शुड बी सिटीजन होने चाहिए वहाँ के, या PR होने चाहिए, टेम्पररी रेजिडेंट होने चाहिए, हु हैव पास 18 मंथ्स, यानी जो जिन्होंने 18 मंथ जो है वहाँ रहे हैं, हालांकि टेम्पररी है आप, लेकिन 18 मंथ जो है आपने पास कर लिए हैं तो वो है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटेक्टेड पर्सन जो है हो वो हो। कितनी मनी जो है आपको मिल सकती है, देखिए अगर 6 साल से छोटे 6 साल से छोटे बच्चों के लिए देखिए आपको 541 कैनेडियन डॉलर पर मंथ आपको मिलेंगे, और यह जो है 6.96 6496 कैनेडियन डॉलर पर ईयर। 6 से 17 के बच्चे के जो है उनको जो है 456 कैनेडियन डॉलर पर मंथ, और यह जो है 5481 जो है पर ईयर। तो अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन यू विल गेट हायर और लेस। ठीक है, अपनी जो है जैसे भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ की गवर्नमेंट आपको जो है पैसा पे करेगी आपके बच्चे की प्रोग्रेस के लिए। अब वो कितना पे करेगी देखिएगा, उसके लिए देखिएगा मैं इनकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर ले जा करके दिखा दूंगा आपको। यहाँ देखिएगा आपको पूरा जो है इनकी इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, सारी चीजें देख सकते हैं आप। तो यहाँ देखिएगा हाउ मच यू विल गेट, यहाँ आ सकते हैं आप। इसमें कनाडा रेमुनरेशन चाइल्ड एंड फैमिली में, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप अपने आप से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट जो हम कर सकते हैं, अपना अपनी डिटेल आपको इधर डालनी है बस इसमें। ठीक है, तो ये देखिएगा एक्सेप्ट करके यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इधर डालनी है, तो आपकी देखिए कितनी सैलरी है क्या यह है, तो आप इसमें हम बता सकते हैं हमको। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो है ये आसानी है, आप जो है इसे जो है देख सकते हैं आप। तो इसमें सारी जो है आपको सिचुएशन डालनी, कहाँ रहते हैं आप, मेरिट रजिस्ट्रेशन क्या है आपका, ये सब करके आप जो है इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे बता देना, आई विल मेक एन स्पेशल वीडियो ऑन डेट टॉपिक आल्सो, कि आपसे अगर ये नहीं होगा वैसे आप कर सकते हैं, हम अपनी पूरी डिटेल इसमें डालते रहना, नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो है इसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी इससे रिलेटेड या और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है आपकी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना कमेंट करते हैं, इतना शेयर करते रहते हैं वीडियोस, तो फ्यूचर में भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग जो है ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे। तो मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा, बस आप लोगों के जो मुझे प्यार चाहिए, इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन क्यूरी या कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों, इंशाल्लाह मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा, बस आप लोगों का ऐसे प्यार चाहिए जो कि मिल भी रहा है, और इन फ्यूचर में भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान, धन्यवाद।